गायब हो जाओ एक साल के लिए। एक साल के लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। थोड़ा और स्पेसिफिक, एक साल के लिए तुम्हें उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जो आज तुम्हें पसंद हैं, जिनमें आज तुम्हारा घंटों वक्त बर्बाद हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ टाइम पास करना। अगर स्मोकिंग, एल्कोहल जैसी कोई बुरी हैबिट है तो उसे छोड़ देना। मे भी एक साल के बाद तुम सारे गोल्स अचीव ना कर पाओ, पर एक साल के बाद तुम पहले से 3 टाइम्स 4 टाइम्स बेटर होगे। स्टार्ट सेइंग नो, तुम्हें नो कहना सीखना है। स्पेशली एक साल तक नो पोस्टिंग, नो दोस्ती यारी, कोई भी ऐसा काम या इंसान जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने से रोके, उसे नो कह दो। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। दूसरों को क्यों दिया है? किसी ने कह दिया कि आज इधर पर चलते हैं और तुम चले गए, चाहे तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम हो। यह तुम्हारी लाइफ है तो ये तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। इसमें फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हें किसके साथ जाना है, तुम्हें किसके कॉन्टेक्ट में रहना है, तुम्हें सोशल मीडिया में एक्टिव होना है नहीं होना है। सोशल मीडिया जो 90% टॉक्सिक है, ये सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करोगे। यू आर नॉट समवन्स पपेट। तुम्हें खुद को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है तो लोन रहना बेस्ट है। हम अकेले रहकर उस लेवल के पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं जो हम लोगों के साथ रहकर नहीं कर सकते। सबसे खतरनाक भेड़िया वो होता है जो अकेला होता है। हमारी लाइफ को कई सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, कुछ पॉजिटिवली कुछ नेगेटिवली, पर लोनलीनेस तुम्हें पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी अगर तुम अच्छे वीडियोस देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। यू हैव टू कार्व योरसेल्फ, तुम्हें खुद को निखारना पड़ेगा। आज तुम्हारे अंदर काफी सारी कमियां हैं, फिट नहीं हो, बॉडी शेप में नहीं है, कुछ बैड हैबिट्स हैं, पर तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हें ही उन बैड हैबिट्स को छोड़कर अपने अंदर गुड हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। तुम्हें ही अपनी बॉडी को कार्व करना पड़ेगा अच्छे शेप में लाने के लिए, और यह तुम सबके साथ रहकर नहीं कर पाओगे। तुम्हें सबसे कनेक्शन कट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि नेक्स्ट ईयर भी मैं इधर पर ही रहूं, अगले साल भी ऐसी लाइफ स्टाइल जीऊं। अगर तुम एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो तो आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम कई सारे घंटे वेस्ट कर देते हो तो तुम पूरा दिन वेस्ट कर देते हो, और अगर तुम कई सारे दिन वेस्ट कर देते हो तो तुम पूरा एक वीक वेस्ट कर देते हो, अगर तुम कई सारे वीक वेस्ट कर देते हो तो तुम पूरा एक मंथ वेस्ट कर देते हो, और अगर तुम कई सारे मंथ वेस्ट कर देते हो तो ईयर, और अगर बहुत सारे ईयर तुम वेस्ट कर देते हो तो अपना पूरा जीवन तुम वेस्ट कर देते हो। स्पेशली कुछ ईयर्स ही हैं 14 to 26 जो डिसाइड करेंगे कि तुम कहाँ पर होगे फ्यूचर में। इस एज में आपके पास अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा होंगे, टेस्टोस्टेरोन एनर्जी लेवल्स पीक पर होंगे, और यही आपकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स भी हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने इन गोल्डन ईयर्स को इंस्टाग्राम, गेम्स के एडिक्शन, इन सारी चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि यू आर रिप्लेसेबल। 8 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट में, तो कोई ना कोई तुम्हारी जगह पर आ सकता है। अगर तुमने उस जगह तक पहुंचने की सबसे ज़्यादा कोशिश नहीं की, कोई और तुम्हें रिप्लेस कर देगा। सारी कंपनीज को बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो सारे कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, और कोई प्रोडक्ट बेस्ट तभी बनता है जब उस पर सबसे ज़्यादा काम होता है। हीरा सबसे ज़्यादा तब चमकता है जब वो सबसे ज़्यादा घिसा जाता है।